महाराणा प्रताप जी की जयंती के अवसर पर आज उन्हें नमन करने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए तमाम लोग आ रहे हैं और हम इस समय मौजूद हैं हुसैनगंज चौराहे पर, जहां पर महाराणा प्रताप की भव्य प्रतिमा लगी है। और आप देखें कि किस तरह से यहां पर आज सुबह से ही उन्हें नमन करने के लिए लोगों का आना जारी है। और इस समय हम बात करें तो पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद सिंह गोप भी यहाँ पर उनको माल्यार्पण करने के लिए पहुँचे, माल्यार्पण किया और इस समय हमारे साथ ही मौजूद हैं। अरविंद जी, आज महाराणा प्रताप जी की जयंती है, क्या कहेंगे आप इसमें? हम सब ने महाराणा प्रताप जी को आज नमन किया है। हम खासकर नौजवानों से अपील और प्रार्थना करते हैं कि महाराणा प्रताप को पढ़ें। महाराणा प्रताप जैसा बहादुर, उनके विचार, उनकी संघर्ष की जो कहानी है, इन नौजवानों को सीखना चाहिए। महाराणा प्रताप ने कभी झुकना नहीं सीखा और सही बात पे लड़ना सीखा। ऐसे महान और बहादुर पुरुष को हम नमन करते हैं और आज के दिन हम समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी को इसलिए बधाई देना चाहते हैं कि इस बहादुर की जयंती पे अखिलेश जी ने छुट्टी की घोषणा की थी। वो समय जल्दी आएगा, फिर दोबारा छुट्टी होगी। मैं महाराणा प्रताप को नमन करता हूँ और नौजवानों से अपील करता हूँ कि महाराणा आपको पढ़ाएं, इतने बहादुर बने, उनके कुछ विचार को अपने जरूर उतार लें। अगर उनके विचार को अपने उतारेंगे निश्चित रूप से कामयाब होंगे। आज महाराणा प्रताप को पूरी दुनिया में लोग नमन कर रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं। आपने बात क्योंकि सपा की है तो एक सवाल उससे जुड़ा भी कि अभी हाल ही में नेताजी मुलायम सिंह यादव सपा कार्यालय गए, वहाँ पर अपना संबोधन दिया और एक बात कही उन्होंने कि अब सिर्फ भाजपा और सपा दो ही दल हैं, कोई तीसरा मोर्चा नहीं है। समाजवादी पार्टी संघर्ष की कोख से पैदा हुई पार्टी है और देश का सबसे नौजवान नेतृत्व अखिलेश यादव जी हम सबका नेतृत्व कर रहे हैं। आज महाराणा प्रताप की जयंती है, क्षत्रियों का क्या काम है, राजपूतों का क्या काम है? जहाँ अत्याचार हो, जहाँ जुल्म हो, जहाँ अत्याचार हो, वहाँ क्षत्रिय खड़ा हो। क्षत्रिय एक विचारधारा है, हमें इस बात का गर्व है कि हम क्षत्रिय कुल में पैदा हुए हैं। मैं समाजवादी पार्टी के एक सिपाही हूँ, समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में इस लड़ाई को लड़ेगी। आने वाला जब भी समय होगा महाराणा प्रताप की जयंती, फिर अखिलेश यादव जी छुट्टी घोषणा करेंगे। एक चीज़ और है कि सपा प्रसपा का गठबंधन हुआ लेकिन अब जो बीच की दूरियाँ वो दिख रही हैं, ये माना जा रहा है एक बार फिर से नेताजी को फ्रंट पर और ज़्यादा लाया जा रहा है, लगता है कि इससे सपा और मजबूत होगी, ये माना जा रहा है? देश के सबसे बड़े नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी हैं, हम लोग मुलायम सिंह यादव जी के राजनीति के विद्यार्थी हैं। मुझे इस बात का गर्व है कि आज देश का सबसे बड़ा नौजवान नेतृत्व, ऊर्जावान नेता अखिलेश यादव जी हमारे नेता हैं। हम लड़ाई लड़ते रहेंगे जुल्म अत्याचार के खिलाफ और जो जुल्म अत्याचार के खिलाफ लड़ता है उसी की विजय होती है। आने वाला समय समाजवादियों का है। इस तरह से अभी शिवपाल यादव जी ने एक बयान दिया आजम खान के मामले को लेकर कि अगर नेताजी ने धरना दिया होता तो शायद आजम खान बाहर होते, तो इस तरह की जो बातें हैं उसके बाद क्या लगता है कि अब एक बार फिर से सपा जो है वो मुलायम सिंह जी को आगे कर रही है पार्टी को और मजबूत करने के लिए? समाजवादी पार्टी एकजुट है, एक साथ है। नेताजी हम लोग के मुखिया हैं, नेताजी का दोनों हाथ अखिलेश जी के सर पे है। अखिलेश यादव के नेतृत्व में लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे। धन्यवाद करने के लिए। तो ये हमारे साथ में अरविंद सिंह गोप जी, जिन्होंने बताया कि जिस तरह से अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी को लेकर तो उन्होंने कहा कि एक बार फिर से पार्टी जो है उसको मजबूत किया जा रहा है, पार्टी मजबूत है और आगे भी लड़ेगी। और महाराणा प्रताप जी की जयंती पर जब सपा सरकार थी उसने छुट्टी घोषित की थी जो अब खत्म है, लेकिन जब आगे सपा सरकार आएगी तो एक बार फिर तो छुट्टी को भी घोषित किया जाएगा। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ चैनल अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।